नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी। और मैं हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाव पर। नेशन नाव है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सियाराम। आप सब लोगों को जय हिंद। So Pradeep ji, that thing seems to be happening again and again. I know the results are tomorrow. Haryana aur Jammu and Kashmir ke results jo hain wo kal hain. Lekin uske baad bhi to agar dusri cheez ke upar agar baat kar lein, jaise wo Ramgiri Maharaj hai. Bilkul. Unko lekar ke aur udhar wo kya naam hai unka jo Dasna ke mandir ke jo mahant hain, Yati Narsinghanand wo hain. Unko to shayad arrest bhi kar liya gaya hai. ये हो क्या रहा है? मतलब व्हाई इज द प्रॉफिट बीइंग अटैक्ड अगेन एंड अगेन, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? तो मतलब अभी सब लोग बड़े आराम से तो रह रहे हैं, सब कुछ हो तो रहा है, मतलब कोई वॉर, ये प्रोवोकेशन क्या है? ये मेरी जरा समझ के बाहर है। आखिरकार आज ही की तारीख में ये सब बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या मतलब इज समथिंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द प्रोवोकेशन? क्योंकि आज मानते हैं, आज अक्टूबर 7 है प्रदीप जी, सॉरी एक सेकेंड, बस एक सेकेंड और मैं लूंगा। 7 अक्टूबर आज है। टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ द अटैक ऑन Israel, the Hamas attack, where all the civilians were killed who had come to attend a music concert. Music concert में सब लोग थे, उनको बेरहमी से मारा गया, काटा गया, ना जाने उनके साथ बलात्कार किया गया और क्या सब किया गया वगैरह वगैरह। और उसके बाद आज तक एक साल तक वहाँ पर जंग चल रही है प्रदीप जी, ये भी याद रखें। But so why do you think this is happening? ना आप देखो, एक से एक चीज, कुछ दिन ये जो एक प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो बोलना है, रामगिरी महाराज अलग अलग लोग कहने लगे, उसके बाद फडणवीस जी, आप देखो लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, एक कंटिन्यूस एक कैंपेन चल रहा है। फिर वी हैड नितेश राणा जी कह रहे कि जो भी, और एकनाथ शिंदे जी आके डिफेंड कर रहे हैं रामगिरी महाराज को, एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, होने दूंगा। तो एक फोर्टिफाइड एक कैंपेन चल रहा है एंड इट सीम्स टू बी अ वेरी प्लान्ड कैंपेन कि हमको ये करना है। एंड देन when you do this and then when there's a polarization of muslim votes against the bjp then you're calling it vote jihad aap baat ye hai ki why will the muslim votes come to you what for they will not come to you they're not going to and they're definitely going to polarize against you and go to a party whom they feel most secure and in this particular thing congress has benefited maximum ji to ye polarization ko devendra fadnavis ji ne kaha ki vote jihad ho raha hai एक कंटिन्यूस एक मोमेंटम चल रहे हैं हमारे पास और कहाँ कहाँ से मस्जिदों से बोला जाता है कि इन्हीं को वोट देना है ना इन्हीं को नहीं वोट देना है। तो इट सीम्स टू बी अ प्लान्ड वे एंड एक चीज है कि बीजेपी एक्सपेक्टेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स कमिंग टू देम शुड बी जीरो, आई मीन होगा ही नहीं, तो वाई डू यू प्रज्यूम दैट कि होगा और नहीं हुआ तो जिहाद है? नाउ दैट इज व्हाट एंड यू टॉक अबाउट कंटिन्यूस कैंपेन, चाहे वो लैंड जिहाद हो, वोट जिहाद हो, लव जिहाद हो। और तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है प्रदीप जी, संसद में, लोकसभा में आदरणीय सामान्य होम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है कि लव जिहाद क्या होता है हमें मालूम नहीं भाई। इट सेज सो वेरी वेरी क्लियरली लव जिहाद इज, वी डोंट नो व्हाट इट इज। एंड उसका ठीक ऑपोजिट देवेंद्र फडणवीस यहां पर बोल रहे हैं, बट द यूनियन केसेस है, 1 लाख केसेस रजिस्टर्ड केसेस है, बट इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री इट सेज वेरी वेरी क्लियरली हिंदुस्तान में हर एक को आजादी है, जिस मर्जी के साथ आप शादी करें। और जहां तक लव जिहाद का प्रश्न है, जो आपने इंस्टेंस ये बताए, ये फरवरी 2022 की स्टेटमेंट है यूनियन होम मिनिस्ट्री की, इन एन आंसर टू अ क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ही हैज सेड वेरी वेरी क्लियरली दैट लव जिहाद इज नॉट अ क्राइम, वी हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस क्राइम। ऐसा करके आदरणीय सम्माननीय अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया। तो ये हो क्या रहा है? दोनों तरफ तो बीजेपी की सरकार है ना, महाराष्ट्र में भी और उधर भी। अगर यहां पर देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि 1 लाख केसेस हैं लव जिहाद के, तो सेंटर क्यों उसके, मतलब बिल्कुल बिल्कुल विपरीत उसके बोल रहा है सेंटर जी जरा। और फडणवीस जी ने उसको एलाबोरेट भी किया, ही डिडंट स्टॉप इट लव जिहाद, ही सेज शादी के बाद बच्चे पैदा करके फिर अबैंडन करना जी, ऐसे 1 लाख केसेस जी। तो ही वाज वेरी 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 एलाबोरेट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रदीप जी, ये सब अभी क्यों हो रहा है? जैसे वो जनाब नरसिंहानंद जी हैं जो डासना के मंदिर के, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, उसके महंत हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में
मे पीस भी अपाने मुमकिन, उनके ऊपर अभी बोलने की क्या जरूरत पड़ गई, रामगिरी महाराज साहब को क्या जरूरत पड़ गई अभी, और उसके बाद उसमें नीतीश राणा भी कूद पड़े, देवेंद्र फडणवीस साहब भी कूद पड़े, एकनाथ शिंदे साहब भी कूद पड़े, ये हो क्या रहा है? मेरी जरा समझ के बाहर है. लेट्स गो अक्रॉस टू, वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ गेस्ट एट द मोमेंट. गोपाल तिवारी जी फ्रॉम दी इंडियन नेशनल कांग्रेस. वी हैव आवर डियर ओल्ड फ्रेंड, वेरी वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर शंकर गायकर ऑफ द विश्व हिंदू परिषद. एंड ऑफ कोर्स वी हैव संजय द्विवेदी जी ऑफ द उद्धव ठाकरे सेना. एंड नाउ जय श्री राम. मुकेश गांधी एज वेल. जय श्री राम जी. शंकर गायकर जी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली. कैसे हैं सर? जय बजरंग बली, हर हर महादेव. हर हर महादेव. कैसे हैं सर? हर हर महादेव. मुकेश गांधी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. यू हैव जॉइंड अस टुडे. आपका साउंड क्लियर नहीं हो रहा है. साउंड क्लियर नहीं भाई, जरा चेक कीजिए. आवाज नहीं आ रही है. अभी आवाज आ रही है कि नहीं? क्लियर नहीं आ रही है. अभी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? अभी आ रही है, लेकिन बीच में बहुत वीक होती है. बीच में बहुत वीक होती है. जेंटलमैन, कैन यू प्लीज डू समथिंग अबाउट द साउंड? एवरी डे वी हैविंग अ मेजर प्रॉब्लम विद द साउंड. आई डोंट नो व्हाई. मुकेश गांधी साहब, कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हियर यू. मुकेश गांधी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. वी नो फॉर अ फैक्ट दैट योर वाइफ इज इन हॉस्पिटल. आई होप मिसेस गांधी इज रिकवरिंग. ऑल आवर विशेस एंड प्रेयर्स आर विद हर. मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रिकवर कर रही होंगी. उनका ऑपरेशन हुआ है, भी बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है. तो आपका यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. Entire team and all of viewers are with you. That's right. Absolutely. तो शंकर गायकर जी, आपसे शुरू करता हूँ. शंकर गायकर जी, शंकर गायकर जी, नवरात्र के पांचवी नवरात्रि का के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबसे पहले धन्यवाद. जय माता दी. को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना. जय भवानी. जय माता दी. जय भवानी. जय भवानी. जय. तो शंकर गायकर जी, जरा ये बताएं कि आजकल ये क्या हो रहा है? इधर अपने रामगिरी महाराज, उधर वो नरसिंहानंद जी, वो मतलब प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं. ये क्या कुछ प्रोवोकेशन है क्या? सामने से कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सब जो है वो कमेंट्स अभी आ रहे हैं? शंकर गायकर साहब, ये जो रामगिरी जी महाराज जो बोले हैं जी, या ये पहली बार नहीं बोले हैं, पूरे देश भर में सच्चाई को उजागर करना, ये कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं, और जो वास्तविकता है उसको सबके सामने वो रख रहे हैं. एक बात मुझे ध्यान में नहीं आती, गीता के बारे में चर्चा हो सकती है, रामायण में चर्चा होती हो सकती है, महाभारत पर चर्चा हो सकती है, हमारे सारे उत्सव पर चर्चा हो सकती है, हमारे प्रॉफिट पर चर्चा हो सकती है. इतना खुला मन, इतना खुला मंच पूरे हिंदू समाज ने आज रखा है, तो इसी के बारे में अगर रामगिरी महाराज बोल रहे हैं तो इसका पीछे का कारण केवल वो बोल रहे नहीं है. जब पूरे देश भर में जो घटनाएं हो रही है, सर तन से जुदा से लेकर बहुत सारी घटना, छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो पत्थरबाजी हो रही है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को यूज कर जो पत्थरबाजी हो रही है, ये पत्थरबाजी कहाँ से हो रही है? तो इसके पीछे का जो दिमाग है, इसके पीछे की जो धारणा है, इसके पीछे का जो कल्पित है, उसको अगर उजागर करने जाएंगे तो हमें ध्यान में आता कि ये सारा जो बिंदु है वो वहीं पर चला जाता है कि जिसके कारण ये सारे लोग आज बोल रहे हैं. इसलिए ये जो बोल रहे हैं ये केवल अपनी मन की बात नहीं बोल रहे हैं, जो लिखा है शरीयत में, जो लिखा है कुरान में, जो लिखा है इसके बारे में वो बोलने की कोशिश करते, किसी का मन दुखाने की बात नहीं कर रहे हैं. और गायकर साहब, क्या यहाँ पर ये चल रहा है चर्चा? शांति, वही मोहन भागवत जी, आरएसएस, मोहन भागवत जी का आदेश आता है कि सब हिंदुओं को एक साथ एकजुट होना चाहिए, सब हिंदू एक साथ एकजुट होकर. जब विपक्ष के लोग जब बोल रहे तो उसके बारे में चर्चा नहीं होगी क्या?
जी ये भी ध्यान में रखना चाहिए, राम जी के बारे में बोले जाता, इसी महाराष्ट्र में राम जी के बारे में बोला गया, इसी महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ जी के बारे में बोला गया, वो नंगा घूम रहा है आपके घर में चलेगा क्या, तब सबके मुंह में दही क्यों जम जाता है, सब सबके आवाज क्यों बंद होती है। खुला मंच है, खुली चर्चा होनी चाहिए, जितनी खुली चर्चा होगी, जितनी खुली बहस होगी, वाद विवाद हो गए उसमें से सामाजिक सामंजस्य ही बाहर आएगा। ये कोई एक दूसरे का अपमान करने के लिए हम नहीं बोल रहे, या रामगिरी महाराज ने कही पैगंबर साहब को गालियां तो नहीं दिए है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इससे हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। गायकर साहब ये पूछना, एक तरफ गायकर साहब ये चल रहा है और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि आरएसएस प्रमुख संचालक कह रहा है कि हिंदुओं को सब एकजुट होना चाहिए, सब हिंदू, हर समाज, हर वर्ग के हिंदू को एकजुट होके एक हमारे सामने बहुत सीरियस चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस को एलिमिनेट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए सब हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए, कास्ट, रिलीजन, जो भी है, लैंग्वेज है, सब बैरियर को छोड़ के हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए। तो ये क्या एक प्लान्ड तरीके से सब हो रहा है गायकर साहब? आरएसएस का कहना है हिंदुओं को एक जुट होना चाहिए, पूरे हिंदू समाज को? नहीं नहीं, वो प्लान से कुछ नहीं हो रहा है, ये वर्तमान में देश की जो परिस्थिति है, जो वाद विवाद है, भेदा भेद है, जातीयवाद जो है, ये भाषण करने में तो सबको अच्छा लगता है कि जातीयवाद खत्म होना चाहिए, ये सब बातें बराबर है, लेकिन धर्म में आपस में समन्वय होना चाहिए, सब बराबर है, लेकिन प्रत्यक्ष कृति में क्या होता है, जब जब खतरे में आते हैं, ये सारे कौवे इकट्ठा होकर जातीयवाद की बात करते हैं, सारे लोग एकत्रित होकर हर एक जाति को बढ़ावा देते हैं, हर जाति में विष ये भुला घुनाने का काम करते हैं। तो इसलिए मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसमें गलत नहीं, हिंदू समाज जब जब बटा है तब तब इस देश को हमने कटते हुए देखा है, विभाजन का सारा दौर आपने देखा है, पूरे देश के अंदर आपने अभी गत जो लोकसभा का इलेक्शन हो गया, ये इलेक्शन में एक प्रकार का प्रोपोगंडा, ये लोगों ने, सारे लोगों ने एकत्रित आकर इन्होंने भगवान का सौदा किया है, समाज का सौदा किया है, राष्ट्र का सौदा किया है। इनको जरा पूछो, अपने आप को हिंदू बोलते हो ना, हिंदुओं का हिंदुत्व का डेफिनेशन क्लियर करो और फिर इस विषय को आगे बढ़े। मोहन जी ने कोई गलत नहीं बोला, 100 साल हो गए संघ को, संघ ने ही आज देश को एकत्रित रखने का काम किया है, सारे समाज को बढ़ावा देने का, जातिवाद का विष ये गाड़ने का काम संघ ने आज तक किया है, और इसके लिए संघ केवल बोलता नहीं है, जनजातियों के अंदर और पिछड़े वर्गों में संघ ने जो काम किया है वो आज हिंदू समाज के ऊपर संघ का बहुत बड़ा ऋण है। ये भाषण का विषय नहीं है, ये आप मैं मेरा ये व्यक्तिगत कहना नहीं है, ये सभी लोगों का संघ के बारे में ये कहना है। जी संजय द्विवेदी जी, आप अपनी उंगली उठा रहे थे, ऐसा करके आपने अपना हाथ उठाया, जी बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं द्विवेदी जी? 75 साल सर इस देश को आजाद हुए हो गए हैं, जरा जोर से बोलें सर। हमने कहा 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए हैं, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आवाज आ रही है, अरे अरे 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए हैं। 1947 में एक बंटवारा हुआ था जी, जिसमें यह हुआ था कि मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले जाए, हिंदू भाई यहाँ रहे, लेकिन कुछ लोग नहीं गए, कुछ कत्लेआम हुआ। लेकिन 1947 के बाद 75 साल में कितने बार कत्लेआम हो चुका है, कहाँ कहाँ कत्ले, छुटपुट घटना में बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की जो आप भाषण दे रहे थे भी, इस तरह की बातें इस्तेमाल करेंगे, अरे उनके पैगंबर अलग, हमारे राम अलग, हमारे बजरंग बली अलग, हमारे दुर्गा जी अलग, हमें किसी के उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर चुनाव आ गए, अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं कर सकती। जो देश बेचने न बेचने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जो कह रहे थे देश बिकने नहीं दूंगा, तो आज देश बेचे दे रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ खाने नहीं देंगे, लेकिन अडानी जी खाएंगे। आज जो देश की हालत है, बच्चा बच्चा को जानना चाहिए आज देश में किस तरह से माननीय मोदी जी पूरी सरकार
एक दो चार लोगों के प्रति लग के और देश पूरा बिकवा दे रही है। अभी 10 उदाहरण मौजूद में दे रहा हूं, अभी 62,000 करोड़ की लोन लिया 10 फैक्ट्रियों ने, जिनके ऊपर 62,000 करोड़ रुपए लोन था, और इन्होंने 1916 में कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के माध्यम से डिसाइड होता है 851 केस हुए। आज क्या हुआ, 10 फैक्ट्रियों को अडानी जी ने खरीद लिया, जिसने 8,000 करोड़ का लोन लिया था वो 286 करोड़ में खरीदी गई, जिसने 1,800 करोड़ का लोन लिया था वो 76 करोड़ में खरीदी गई, 10 कंपनियां खरीद ली गई, वो इनको नहीं दिखाई पड़ रहा कि देश आज अडानी के मुंह में जा रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज पूरा सब कुछ खाते चले जा रहे अडानी जी, एयरपोर्ट खाते चले जा रहे, बीपीसीएल खाते चले जा रहे, रेल खा रहे हैं, और इसके अलावा जेएनयू अभी हमने देखा है कि जेएनयू में भी जो इनकी बीसी है वो इनका जो मंडी में बना हुआ गेस्ट हाउस वो बेचने की तैयारी कर रही, वो अंदर बिजली की बात कर रही है। द्विवेदी जी, मगर आपका कहना कि फडणवीस साहब जो कह रहे हैं कि वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आंकड़े दिए केसेस के, किस प्रकार 14 कॉन्स्टिट्यूशन में वोट जिहाद हुआ है, पूरे एकत्रित होकर खिलाफ वोट करना, जिद से आकर और कहां कहां से ऐलान होना, रिलीजियस स्थानों से ऐलान होना कि हमको एकत्रित होकर वोट खिलाफ करना है, तो वोट जिहाद है, लैंड जिहाद है, लव जिहाद का 1,00,000 केसेस। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा शादी करो, बच्चा पैदा करो और उसके बाद उनको अबैंडन कर दो, छोड़ दो, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है, नहीं है द्विवेदी जी? आप जो बाला साहब ठाकरे सेना से बोलते हो, जैसे अभी 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 जो चल रही है वातावरण, आप पैगंबर के लिए बोल दीजिए, उनके लिए बोल दीजिए, और देश में जो है मचवा दीजिए, दंगे बिछड़वा दीजिए। अरे क्या जरूरत है बोलने की, 75 साल के बुजुर्ग हो गए, 75 साल में देश आजाद है, अभी सब बातें करने की जरूरत है देश को जरूरत आज जो है महंगाई बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत है, जो देश बेचा जा रहा है, जो माननीय मोदी जी, मैं समझ चाहता हूँ मोदी जी, अमित शाह जी द्वारा देश बेचा जा रहा है जो, उसको रोकने की जरूरत है। आज देश का बच्चा 2,00,000 करोड़ के ऊपर ऋण हो गया, एक एक बच्चे के ऊपर ऋण चढ़ता चला जा रहा। मैं तो सोच रहा हूँ जो हमारे आने वाली पीढ़ी जो होगी वो क्या खाएंगी और क्या बेचेगी, ना देश में रोजगार है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आज 100 रुपए पेट्रोल है कल 150 रुपए हो जाएगा, जो आदमी 4 लीटर पेट्रोल डलाता था आज 1 लीटर पेट्रोल डलाता है, तो आप इसका जो है कौन जवाब देगा? आज आयुर्वेदिक यूनानी फैक्ट्री जो उत्तराखंड में लगी हुई है, सुनिए मेरी बात, उत्तराखंड में यूनानी फैक्ट्री लगी हुई, आयुर्वेदिक फैक्ट्री जो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार के माध्यम से 1978 में लगाई गई थी, आज वो बेचने की बात चल रही है, जिसने 18 करोड़ रुपए का लाभांश दिया उसकी बेचने की बात चल रही है, तो भैया देश क्या पूरा बेचने में लग गया? सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना, ये क्या रटी हुई? सर आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ सर, मुकेश गांधी गोपाल तिवारी जी, जी गोपाल तिवारी जी, आप बताइए क्या पूछा जी गोपाल तिवारी जी, प्लीज। हाँ पूछे, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, संजय द्विवेदी जी, गोपाल तिवारी जी के पास जाते हैं कांग्रेस के, तो गोपाल तिवारी जी जैसा संजय द्विवेदी जी बता रहे हैं, ये सब क्या जान करके किया जा रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम? गोपाल जी, सर सबसे पहले तो हमारे पैनलिस्ट जो है इनको मिसेस गांधी जी के लिए मैं फास्ट रिकवरी की शुभकामना देता हूँ। थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू सर। सर ये जो कह रहे हैं ना सर, उसमें वास्तविकता है। अभी ऐसा है कि हरियाणा का चुनाव वो हार रहे और महाराष्ट्र के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने एक बार डिक्लेयर किया है कि जल्द ही चुनाव घोषित किए जाएंगे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र में आ रहे, हर छोटे मोटे स्टेशन का ओपनिंग कर रहे और अनाप शनाप बेतुकी बातें कर रहे। कल जो बोला उन्होंने कि शरद पवार जी पहले कृषि मंत्री थे, अब क्रिकेट में लग गए, अरे भैया आपने तो पद्मश्री उनको पद्म भूषण दिया, पवार साहब को आप ही ने तो दिया सर, दिया सर। और पद्म भूषण नहीं, विभूषण दिया। हेलो सर, उससे भी बड़ा अवार्ड दिया, पद्म विभूषण जी, बोलिए। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, पद्म विभूषण दिया है,
और अरुण जेटली भी गए थे उनका डेवलपमेंट देख के, तो उन्होंने कहा 100 बारामती होना चाहिए। और अरुण शरद पवार जी की जो जन्मदिन था उस समय भी मोदी जी ने बहुत तारीफ की। तो ऐसा है, राजनीति का खेल है सर, ये आरोप में कोई तथ्य नहीं है। देश के सामने बहुत गहन समस्या है, और ये जो समस्या है ना, जो देश में 70-80% जो हिंदू है ना, उसकी ही समस्या है। बेरोजगारी की समस्या ज्यादातर हिंदू है, उनकी समस्या है। जो महंगाई समस्या है वो हमारा हिंदू भाई है, 80-90% जो देश में, उसकी ये समस्या है, उसको महंगाई की मार पड़ रही है। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना, उसकी समस्या है सर, ज्यादातर हिंदू की हालात हो रहे हैं। तो ये सब बातें वो उसके, और अभी देश का ध्यान भटकाना और बेतुकी बातें करना, अभी मोहन भागवत जी करते हर एक हिंदू है, तो हर एक हिंदू है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम है क्या? अगर 20 करोड़ मुस्लिम 120 करोड़ हिंदुओं को अगर कंट्रोल नहीं आप कर पाते, तो आप सत्ता में क्या कर रहे, गोटियां थोड़ी खेल रहे, तो आप सत्ता से हट जाओ। गोपाल जी, आरएसएस जी, भागवत जी ने कहा कि देयर इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सब हिंदुओं को इसलिए साथ में आना चाहिए कि एक सिक्योरिटी इश्यू सामने आ गया है हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए। तो लैंग्वेज एक फ्रंट से काम करना चाहिए देश के हित में, देश के हित में। गोपाल जी, सर, प्रदीप जी पुलवामा में 40 जो जवान गए ना, सबके सब हिंदू थे सर, और अपनी मतलब सत्यपाल मलिक को चुप रहने को बोल रहे, तो ये हिंदुओं को कुचल रहे क्या? क्या कर रहे हैं? कौन सी घटिया राजनीति कर रहे हैं? और शहीदों के नाम पे भीख मांग रहे आप वोटों की 19 में, जो जीएसटी के ऊपर वोट नहीं मांगे, नोटबंदी के ऊपर वोट नहीं मांगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे उसके ऊपर वोट नहीं मांग पाए, अच्छे दिन लाएंगे वो उसके ऊपर वोट नहीं जाएंगे, इतना काला धन है कि देश में आके हर एक को 15 लाख देंगे उसके ऊपर वोट नहीं मांगे, इनफैक्ट 300 करोड़ 300 टाइम स्विस बैंक में डिपॉजिट बढ़ गए अपने इंडिया भारतीय लोगों के, पनामा पेपर में जो कार्रवाई उसपे कोई कार्रवाई नहीं किए, जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप किए, चक्के पिसिंग उनको सबको बीजेपी में लिया, सत्ता के रेड कार्पेट डाले, महाराष्ट्र और देश को चौगुना कर्जे में डाल दिया आपने, क्या बात कर रहे आप? और आप ऐसे अभी लगातार 10-10 मिनट से आपकी एडवर्टाइज आ रही है टीवी पे, जब इलेक्शन चुनाव सामने है, गवर्नमेंट की तिजोरी खाली कर रहे हैं, लोगों का पैसा ही है ये, रेवेन्यू का पैसा है, किसी के बाप का पैसा है क्या? क्या गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रचार कर रही है इसका? ये मतलब बेशर्मी के हया है सर, ये कौन सी, ये कौन सा गोपाल तिवारी जी लॉजिक है? गोपाल तिवारी जी, ये बनता है, 70 साल में हुआ है क्या? अरे सर सुनिए तो सही, गोपाल तिवारी जी आपको आवाज आ रही है? जो रामगिरी महाराज जी ने जो बोला है, और उधर जो दसना के जो महंत है उन्होंने बोला है, जिसकी वजह से एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब ये ठीक है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा आप ये भी संजय द्विवेदी साहब ने बोला और उसके पहले अब हमारे मित्र शंकर गायकर जी ने बोला, तो अभी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है अभी, ये बताएं गोपाल जी। देखो ये तथ्यहीन बातें हैं, उसमें राजनीति या गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और किसी के धर्म में जाना क्या करना उसके ऊपर कोर्ट कचहरी है, संविधान है, कानून है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर पीस ये मेंटेन करना ये गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट रहो या यूनियन गवर्नमेंट रहो, ये कौन क्या बोले, अपने संविधान है अपने देश को, और हर एक को बराबर का राइट है, और बाय डिफॉल्ट हमारी हिंदुओं की संख्या है 120 करोड़, मुस्लिमों की संख्या है 20 करोड़, अगर 20 करोड़ से 120 करोड़ रहते हुए भी अगर इनका इनसे ये डर रहे तो आप आपको क्या बोले, लग मेरे मुकेश गांधी से पूछते हैं सत्ता में बैठे क्या कर रहे सर? मुकेश गांधी से वेरी गुड पॉइंट की हत्या हुई, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, तब राजनीति ने संसद को घेराव किया, तब जाके मिलिट्री डालनी पड़ी मणिपुर में, जो आपने बोला मणिपुर में वो उसमें बहुत तथ्य है। एक मिनट मणिपुर पे भी आते हैं सर, एक मिनट सर, मणिपुर पे भी आएंगे गोपाल तिवारी जी। मुकेश गांधी जी से पूछ लेते हैं, मुकेश गांधी जी जब भी बीजेपी आती है तभी हिंदू खतरे में क्यों होता है?
कांग्रेस का ये कहना है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है हिंदू खतरे में हो जाता है, ऐसा क्या चक्कर है सर? ये जरा बताएं, हिंदू तभी खतरे में होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। मुकेश गांधी जी, देखिए राजीव जी, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म का रक्षण हमें खुद को करना चाहिए जी। आज हमारे देश में आरएसएस जैसी एक जबरदस्त संगठना है और ये संगठना बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी इन्होंने कहा कि हिंदुओं को यूनाइट होना चाहिए, पर मेरी आप एक बात सुनेंगे कि यहाँ पैनलिस्ट में जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं जी, पर वो मुसलमानों की तरफदारी करके भी बातें करते हैं कांग्रेस को प्लीज करने के लिए। पर आप कोई भी पैनल, कोई भी टीवी चैनल पे देखो तो अगर चार मुस्लिम पैनलिस्ट में आ जाएंगे तो वो पूरा ऑपोजिशन मोदी जी का करेंगे। तो ये देश जो है उसमें कांग्रेस ने जो जवाहरलाल नेहरू के समय से आज तक राहुल गांधी तक हिंदुओं को डिवाइड करने का, हिंदू के धर्म में जो सहिष्णुता है वो सहिष्णुता का सदुपयोग करने की जगह दुरुपयोग किया है, और उसके कारण हमारा हिंदू समाज अपनी सहिष्णुता से और बड़े मन के कारण बटा हुआ है। इनका लाभ ये लोग रहे। अभी जिसने हमारे मित्र ने कहा कि 120 करोड़ हिंदू है और 20 करोड़ मुस्लिम है, देखिए यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं आती है मेरे भाई। अभी हमारे देश को जरूरत है प्रगति की, प्रॉस्पेरिटी की, स्टेबिलिटी की। तो ये स्टेबिलिटी लाने का काम आज कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। 10 साल के अंदर उन्होंने आज हिंदुस्तान को एक कितने बड़े पैमाने पे प्रगति का दरवाजा दिखाया। आज हम डिफेंस के अंदर हम खुद आज सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आज हमारा आकाश के अंदर अभियान में हमारा सक्सेसफुल हो गए। हम जब वैक्सीन का जो प्रोग्राम था तो फाइजर जैसी कंपनी को भी बाजू रख के हमारी इंडियन वैक्सीनेशन बनाई, और अन्य कितने सारे फील्डों में नरेंद्र मोदी जी ने प्रोग्रेस किया। उनका उनकी हमें तरफदारी करनी चाहिए। और मैं एक बात कहूंगा राजीव जी, बोलिए सर। हिंदुओं को डिवाइड करने का काम सालों से चल रहा है, क्योंकि हमारी हिंदू फिलोसॉफी है ना, वो एग्रेसिव नहीं है, वो डिफेंसिव है, और मुस्लिम समाज की जो फिलोसॉफी है वो एग्रेसिव है। तो गांधी साहब, डिफेंसिव जो होते हैं, मेरे साहब ने बोला है सर, 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 एक मिनट सर, यस, डिफेंसिव होने के कारण हिंदुओं को सहन करना पड़ता है। बाला साहब ठाकरे जी के साथ में जब था शिवसेना में, बाला साहब ठाकरे जी के साथ में था, तब बाला साहब ठाकरे जी हमेशा एक ही बात कहते थे कि हिंदुओं को हाथ में शस्त्र लेने चाहिए, हिंदुओं को एग्रेसिव होना चाहिए। पर गर्व से कहो हम हिंदू है इतना कहने से नहीं चलेगा, पर हिंदुओं को एग्रेसिव होना चाहिए। But you believe what fundamentalist जी जो कह रहा कि there is love jihad, there is war jihad, there is land jihad, and he has given the figures, आंकड़े दिए देव फडणवीस जी ने। 14 constituencies out of 48 was affected by war jihad. Love jihad, 1 lakh cases with children are being after marriage, childbirth के बाद abandon करने वाले 1 lakh cases. तो ये आंकड़े के साथ फडणवीस जी कहें लैंड जिहाद, तो डू यू बिलीव इन व्हाट ही सेज? और एज मोदी जी एंड गोपाल जी सिंह इज ट्राइंग टू डिवाइड बिकॉज़ आप लोग हार रहे हैं, बीजेपी इज लूजिंग, सो दिस इज अ वे ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वोट्स। यस सर, इसमें क्या है, देखो ये जो देवेंद्र फडणवीस ने जो जितने भी जिहाद की बात कही है उसके साथ में मैं सहमत हूं, पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिक बात यह है कि हम हिंदू जितने हैं वो हम हिंदुओं को डिवाइड किया गया है जाति व्यवस्था के ऊपर, और हमारे धर्म के अलग अलग जो मूर्ति पूजा और वगैरह, जो हमारा आर्य समाज का पथ है, ये पथ है, वो पथ है, वो संप्रदायों में बांट दिया है। और हमारे आज जितने हिंदू धर्म के गुरु है वो अपने अपने आश्रम बढ़ाने में पड़े हुए, अपनी शानो शौकत बढ़ाने में पड़े हैं, अपने चमत्कार बढ़ाने में पड़े हैं। पर हिंदू समाज को जो बेसिक शिक्षण देना चाहिए, आज हमारे बच्चों को भगवद गीता क्या है, हमारी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ वर्शिप ऐसी होनी चाहिए, इनके बारे में हमारे धर्म गुरु को। लेकिन यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा मुकेश गांधी जी, संप्रदाय बढ़ा रहे। मुकेश गांधी जी, सुनने वाली बात है, जरा सुनिए एक सेकंड। हाँ बोलिए सर। इस वक्त पैनल में हमारे साथ एक शख्स है ऐसे जिन्होंने निस्वार्थ इतनी सेवा करी है, इतनी सेवा करी है सनातनियों की, हिंदुओं की, मैं जितनी तारीफ करूं उनकी कम है।
शंकर गायकर जी हमारे साथ बैठे हैं, शंकर गायकर जी बजरंग दल से हैं, बजरंग दल से मैं इनको पिछले 30-30 बरस से देख रहा हूं। इन्होंने अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए जो शंकर गायकर जी ने सेवा करी है, मतलब उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो शंकर गायकर जी आप ये बताएं, ये कहा जा रहा है अभी कि जान करके पैगंबर के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, जान करके कुछ दिया सलाई लगाई जा रही है ताकि कोई अडानी अंबानी के बारे में बात ना करे, बढ़ती हुई कीमतों के बारे में बात ना करे, लोगों के पास नौकरी नहीं है इसके बारे में बात ना करे, हर जगह पर बीजेपी फेल हुई है उसके बारे में बात ना की जाए। शंकर गायकर जी बताएं, देखिए ऐसा है शंकर गायकर जी प्लीज, पार्टी राजकीय पार्टी सर मुकेश गांधी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, शंकर गायकर जी बोलिए, करेंगी उनको लोग, मुकेश गांधी जी आई कम टू यू प्लीज, शंकर गायकर जी बोलिए सर। ऐसा है जी, ये मुझे केवल, मैं राजनीति में नहीं जाता हूं जी, मेरे लिए ये देश और देश से भी ये धर्म सबसे दो बातें बड़ी है जी, और इसके लिए मैं मानवता के लिए लड़ने वाला मैं एक व्यक्ति हूं, ये ध्यान आपको भी मालूम है, मालूम है सर। आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये जो कहते हैं ना कि वास्तविकता ये है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम नहीं था, जहां मेरी कश्ती डूबी वहां पानी कम था। ये पानी कम चाय वाले जो है ना, बड़े बड़े भाषण देते हैं, इनको पीछे बगल वाले को कभी पानी दिया है क्या? ये गौ माता की रक्षा की है क्या? क्या टमाटर से पेट्रोल से देश की उन्नति होती है क्या? अरे तुम्हारा धर्म मिट जाएगा, कहां जाओगे? दुनिया अपने अपने धर्म को आज संभालने के लिए, अपने धर्म को टिकाने के लिए धर्म ढूंढ रहा है अमेरिका। आज जहां पर इराक ये इजराइल ये चल रहा है, क्या चल रहा है? सब कुछ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रगति है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वहां पर एक, अब धर्म माने वो कर्म कांड नहीं है, टीका लगाना माला जपना ये नहीं है, मेरा धर्म मानवता के अंदर है। आप जो आप मेरी तारीफ करते, मेरे बगल में आइए, मैंने अपनी जान धोखे में डालकर मुसलमानों की जान बचाई है, मालूम है सर। जिस राजधानी में एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा था, मैं उसको सबक सिखाया हूँ। मैं अपना बड़ापन नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जहां पर ये जयचंद मानसिंह ये जब तक अपना अंदर से डोर खोलने वाले लोग है ना, जिनको ये महंगाई दिखती है, इनको देश नहीं दिखता है। इन्होंने कोर्ट के लव जिहाद के बारे में कोर्ट के ऑर्डर नहीं पड़े है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लव जिहाद है, और कितना इतना नहीं तो अजन्म कारावास दिया है। मैं ममता तो इनको वो ऑर्डर भेज दूंगा। मेरा कहना इतना ही है कि आपको वही लोग अच्छे लगते हैं जब ये बरसात में मेंढक निकल आते हैं ना, वैसे ये सामने इलेक्शन देखकर ये मेंढक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनको पूछो, अभी हरियाणा का इलेक्शन था, 4 अक्टूबर को हुमायूं के कब्र पर माननीय सोनिया गांधी क्यों गई है, क्या कारण है? हुमायूं कौन लगता है? ये कांग्रेस का काका मामा बाबा लगता है क्या? हुमायूं क्यों जाते हो? ये बाबर से लेकर अकबर से लेकर ये माला जपते रहते, एक समाज के तुष्टिकरण के लिए अपना जीवन तुमने लगा दिया। केवल ये आज के लोग नहीं है, नेहरू जी का इतिहास पढ़िए, अगर इतिहास पता नहीं होगा, ये वृक्ष ये विष बेल जो है ना नेहरू जी ने लगाई है। आज तक जिन्होंने हिंदुत्व के ऊपर कड़ा प्रहार किया, राम के ऊपर कड़ा प्रहार किया, जिन्होंने सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तियों को एक कूड़ेदान में फेंक दिया, ऐसे लोग मेरा कहना है देश के बारे में नहीं सोचते। मैं इसीलिए कहा ये धर्म रहेगा ना तुम और हम रहेंगे, ये धर्म के अंदर ही ये सारे लोग जो आते हैं, ये जो सेकुलरिज्म 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 है ना जी, आई थिंक वी लॉस्ट द वॉइस ऑफ शंकर गायकर साहब, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट प्लीज, वी कांट हियर शंकर गायकर साहब। राइट, लेट्स गो टू गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी ने अपना हाथ उठाया था जी, गोपाल तिवारी जी बोलिए सर प्लीज। जी सर, ये जो बोल रहे हैं ना जी, वायु और कहां का कौन गए, तो ये गायकर साहब आरएसएस से अगर ताल्लुक रखते हैं तो ये क्या बताएंगे जी, पाकिस्तान में जिन्ना के कब्र पे जाके क्यों तारीफ कर रहे थे,
बताएंगे आप जब हिंदू महासभा और इन्होंने जीना के साथ जो युति की थी बंगाल से लेकर, उस समय क्या हुआ था? तब भैया जी 4 अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे खानदान ने बाबर के कब्र पर जाकर मस्तक देखा है भाई साहब। आडवाणी जी गए थे दुनिया में है, और 4 अक्टूबर को हरियाणा का इलेक्शन है, आडवाणी जी गए थे, वो आडवाणी का आप उदाहरण दे रहे हो, आडवाणी जी गए थे क्या? क्या कौन सा काम था मुझे बताइए जरा, 4 अक्टूबर को और बाबर की, अरे आडवाणी जी जीना के कब्र पे जाके फूल चढ़ाने गए थे क्या नहीं गए थे? अरे आडवाणी गए थे क्या नहीं गए थे? इतना सीधा सवाल है मेरा। नहीं नहीं वो गए थे, लेकिन उन्होंने उसका राजनीतिकरण नहीं किया पाकिस्तान में, सुनिए उसका राजनीतिकरण नहीं किया, ये बताइए ना पहले, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्यों बाबर के कब्र पर जाते हो, क्यों हुमायूं के कब्र पर जाते हो? बार बार हिंदू को अपमान करने के लिए आज भी आप बुजुर्ग हो, उसके आप बुजुर्ग हो, आपको डिबेट का संस्कार पता है क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसके जवाब आपको संस्कार पता है क्या? जीना के कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने गए थे क्या नहीं गए थे? पाकिस्तान में जाके आडवाणी जी जीना के कब्र के ऊपर, और हमारे मोदी जी बिन बुलाए मेहमान जैसे बिरयानी खाने गए थे। हमारे मोदी साहब पाकिस्तान में बिन बुलाए मेहमान जैसे बिरयानी और केक खाने गए थे, और उसका बिल पाकिस्तान ने उन्होंने राजनीतिक गवर्नमेंट को भेजा। वो जीना के कब्र में गए, वो इस समय इलेक्शन नहीं था, वो वोट की राजनीति नहीं करने गए। जैसे सोनिया गांधी गई, राजीव गांधी गया, इंदिरा गांधी गई, ये आपको इतिहास पता है कि नहीं पता है, ये बताइए जरा। तो मैं क्या बोलता हूँ ये मुझे बताइए, ठीक है ना? मैं उसका जवाब देता हूँ। इतनी गंदी राजनीति करते हो, मेरा कहना यही है। और आप मेरी बात सुनिए, और ये तुम्हारा खड़गे, ये कांग्रेस का अध्यक्ष ये बोलता है इतनी गंदी, और इतना द्वेष कोई किसी से करता है, अपने प्रधानमंत्री को बोलता है, ये जब तक मरेगा ना, ये जब तक हारेगा नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं, ये तुम्हारा खड़गे तो इतना द्वेष होता है? राजनीति समझती आपको? राजनीति इस तरह से की जाती है, किसी की मौत की सौदा करके राजनीति करते हो? वो क्या बात करते हो? कांग्रेस का इतिहास इसी के आधार पर है, लांगून चालन करना, दूसरे का द्वेष करना, ये आपकी राजनीति है, इसको राम मंदिर के जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन हुमायूं के कब्र पर जाने के लिए आपको समय है? प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री को कैसी बात करते हो? और बोलिए मैं ठीक से बोल नहीं रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ, आईना आपने आईना देखना चाहिए। जिसके बीवी होने के बाद भी अकेला जाके प्राण प्रतिष्ठा करता है, जो रामायण को पंचायतन मूर्ति से मान्यता है, पंचायतन हिंदू धर्म की, वो अकेले राम को अयोध्या में बिठा दिया आपको, जब पूरे भारत में पंचायत कांग्रेस को समझ में आता है, बाकी सारे देश भर के शंकराचार्य और बाकी संतों महंतों महामंडलेश्वर वो गलत है हिंदू का। अरे कांग्रेस ने रामायण महाभारत घर घर में बताया, रामायण महाभारत कांग्रेस ने घर घर में बताया, आपको अकल है क्या? आपको मानना है क्या इसकी? इसको पता है क्या? जानकारी लीजिए, बाद में डिबेट पे आइए। अरे आप इतने बुजुर्ग होकर ऐसी बातें करते हैं? अरे अरे राम मंदिर की प्रतिष्ठापना पति पत्नी के साथ होती है, राम मंदिर की प्रतिष्ठापना पति पत्नी के साथ होती है, और हिंदू धर्म की संस्कृति की बात करते हैं आप? अरे आप शंकराचार्य जी का इंदिरा जी हमेशा आदर करते थे, उसके सामने नीचे गोपाल जी बात यह है, गोपाल जी बात यह है कि सनातन धर्म का अपमान करना, सनातन धर्म का अपमान करना, सावरकर का अपमान करना, ये कांग्रेस किस प्रकार से आप देखते हो? आप हमेशा गोपाल जी या मैं द्विवेदी जी के पास आता हूँ, द्विवेदी जी क्या सनातन धर्म का अपमान करना, क्या सावरकर का इशू तब उठाना जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में आ रहा है,
द्विवेदी जी, इसको कैसे, ये क्या सोची समझा? एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, ये डेलिबरेट प्लान है, एक डेलिबरेट प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं। सावरकर को गाली देना, सावरकर बीफ खाते हैं, सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म मलेरिया टाइफॉइड है, तो द्विवेदी जी कैसे कैसे आप इसके साथ हो द्विवेदी जी? इसलिए तुमने लाखों लाखों विभाजन कार्य को मारा, समझे ना? आपने देश का विभाजन के हथियार जला ले आप लोग, और फिर बात करते हो नौकरी का हत्याकांड करिए, जितने हिंदुओं को तुमने कत्ल किया, ये भूल गए आप लोग? देश के विभाजन के आधार पर लाखों लोगों को तुमने कतला दिया, और कौन सी राजनीति की बात कर रहे हो आप लोग? तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर ही तुम्हारा संपूर्ण पेट भरा पेट चालू है। पाकिस्तान के बाद मत करो हिंदू धर्म आपको। गोपाल जी, रामायण महाभारत कांग्रेस ने बताया, राजू जी इंदिरा जी ने घर घर में रामायण बताया, महाभारत बताया, टीवी पे बताया। इंदिरा जी ने नहीं, राजीव ने, इसलिए बाबर के कब्र खोले, राजीव गांधी ने, राजीव गांधी नमाज पढ़ने के लिए पूरे संकेत को बाजू में करके बाबर कौन लगता है तुम्हारा कांग्रेस का, बताइए तो। सर रामानंद सागर की रामायण जिंदगी भर और भैया चोपड़ा की महाभारत दिखाई गई, राजीव गांधी जी ने जो है राम मंदिर बनाने नहीं दिया आप लोगों ने, नेहरू से लेकर राजीव और राहुल तक उनको पूछिए आप, उनको पूछिए। अच्छा गोपाल तिवारी जी एक सेकंड, गोपाल तिवारी जी एक सेकंड, गलत बातें कर रहे हो दोनों के बीच में, जरा शांति, बोलने के लिए बुलाए इसलिए कुछ भी बोलो, तत्काल कोई नहीं है तुम्हारे पास। शंकर गायकर साहब और गोपाल तिवारी जी, जरा शांति शांति शांति। प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा संजय त्रिवेदी जी से, गोपाल तिवारी जी एक सेकंड प्लीज, गोपाल तिवारी जी सर प्लीज, गोपाल तिवारी जी यू स्पोकन फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स सर, 15 मिनट आपने एक घंटे बात करिए, एक सेकंड प्लीज। संजय द्विवेदी जी, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, राहुल गांधी के महाराष्ट्र में आने के पहले हमेशा कोई ना कोई कांग्रेस का स्वतंत्र वीर सावरकर मानसिंह कुछ तमीज से बात नहीं करी, तुम्हारी लायकी नहीं है ऐसा क्यों? तुम्हारे साथ तमीज से बात बताइए, देश के हत्यारे दलाल और तुम हमसे बात करोगे, देशभक्ति से बात करोगे, धर्म की बात करोगे, तुम्हारी ऐसे बात करने के लिए नोबड़ी के नहीं यू नोबड़ी के नहीं वर्ड, जिनका पूरा इतिहास पढ़ के आइए अपने पार्टी का। अरे जो बहू को सास को मिला नहीं देते, बहू को सास के, गोपाल तिवारी जी आप अकेले कैसे नहीं है, गोपाल तिवारी जी आप अकेले नहीं है शो में, आप अकेले नहीं है शो में, बाकी सबको भी तो मौका दीजिए प्लीज, गोपाल तिवारी जी बाकी सबको भी तो मौका दीजिए, गोपाल तिवारी जी बाकी सबको भी तो मौका दीजिए, गोपाल तिवारी जी बाकी सब भी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी मौका दीजिए। संजय द्विवेदी जी प्लीज, द्विवेदी जी क्या राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में आने से पहले ये सावरकर ये खाते हैं, सावरकर बीफ खाते हैं, सावरकर तो ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने क्लियर कट खा, यूबीटी के आपके नेता, आपके नेता बोले कि सावरकर हमारा देवत है, सावरकर देवत है, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहूंगा, और फिर भी ये होता द्विवेदी जी, क्यों होता ये द्विवेदी जी? देखिए मैं भी आपकी पूरी डिबेट सुन रहा था, हाँ तो आप अपने ऐसे दोस्तों भाई ना बुलाया करिए जिनको अधूरा ज्ञान रहे, इस देश में अजमेर शरीफ कौन जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता अजमेर शरीफ गए और कहा क्या क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस को आज लात मार के भगा दिया, आरएसएस की आज जितने नेता थे सबको बैठा दिया, आरएसएस पूछ नहीं रहा है, मोहन भागवत कह रहे हैं कि आज ये प्रधानमंत्री बनेंगे, आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बचेंगे, आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बचेंगे, ऐसे 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 संजय तिवारी जी आप बोलिए प्लीज, वो गोपाल तिवारी जी बोल रहे हैं, चिल्लाने लगे भाई क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, संजय तिवारी जी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, गोपाल तिवारी जी आप उनको भी बोलने नहीं दे रहे, गोपाल तिवारी जी संजय तिवारी जी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, आप फिर भी बोले जा रहे हैं सर प्लीज, संजय तिवारी जी बोलिए, संजय तिवारी जी बोलिए प्लीज, दुर्बलों को संरक्षण देना उसका मतलब, गोपाल तिवारी जी दिस इज नॉट डन, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डन, गोपाल तिवारी जी दिस इज नॉट डन,
I say to you again, this is not done. What you are doing is absolutely uncalled for and indecent. Sanjay Dwivedi ji, aap boliye. Sanjay Dwivedi ji, please boliye. मैं कह रहा हूँ सबसे पहले शिलान्यास राम मंदिर कराया था माननीय राजीव गांधी ने कराया था लेकिन लेकिन कुछ अरे इनको हार देना ये झूठा इतिहास मत बोलो संजय जी झूठा इतिहास राजीव गांधी ने शिलान्यास किया राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया अरे क्या बात करते हो ताला खोला की शिलान्यास किया ताला खोला की शिलान्यास किया क्या गंदी गलत बातें रख रहे हो सबके सामने अरे चुप क्या गलत बात कर रहे हो चुप रहिए उन्होंने ताला खुलवाया आप समझे ना गलत गलत इतिहास मत रखिए आपका अधूरा ज्ञान है आप ज्ञान अभी हमसे और उत्तर प्रदेश के आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश के नाम पर आप कलंक है राम जी के नाम पर आप कलंक है सबसे पहले कुछ भी गलत बातें करते हो जिस नेहरू ने राम जी की मूर्ति फेंकने के लिए बोला क्या गलत मत बोलो मैं चुप रहूंगा लेकिन गलत बोलूंगा तो छोड़ूंगा नहीं शिलान्यास सबसे पहले राजीव गांधी ने कराया था पूछिए अपने नेताओं से बात करके देखिए आपको सभी उर्दू पर मिल जाएगा मैं साक्षी हूँ सबसे पहले संजय जी मैं साक्षी हूँ हाँ मैं सम्मान के साथ बोलता हूँ सुन तो लीजिए मेरी बात सुन तो लीजिए ना क्यों बीच में टपर टपर कर रहे हैं भाई बोले बोले द्विवेदी जी बोलिए 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 भाई आप बात बोलिए आप द्विवेदी जी बोलिए बोलिए जबरदस्ती बीच में आप जंगल हर चीज को ज्यादा ज्ञान है तो भी अकेले कर लेंगे बेटा के प्रदीप जी को अकेले बुला दिया करिए भाई द्विवेदी जी बोलिए 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 सुन रहे बोले द्विवेदी जी राजीव गांधी ने सबसे पहले शिलान्यास कराया इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना आंदोलन शुरू किया था विश्व हिंदू परिषद को साथ लेके आंदोलन शुरू किया सबसे ज्यादा चंदा लिया गया होगा राम मंदिर के नाम से तो सबसे ज्यादा चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी या इनके मित्रों ने सबसे ज्यादा चंदा लिया होगा और सबसे बड़ी बात यह राम मंदिर का सबसे ज्यादा उपयोग किया होगा राम मंदिर के नाम का धर्म के नाम से वोट मांगने का अधिकार चाहे बजरंगबली हो चाहे भगवान श्री राम हो चाहे पुलवामा में जो हमारे देश के सैनिक मरे थे उनके नाम पर 2019 से वोट लिया तो इस तरह की पार्टी और दूसरी अजमेर शरीफ आपके भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता जाते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता जो मुसलमान है वो पार्टी में है और इसके बाद अभी देखिए आप कहते जिन्ना जिन्ना क्या चले कोई बात नहीं कर दिया नवाज मोदी जी नवाज शरीफ से मिलने क्यों गए थे भाई उनकी माता जी के पैर छूने क्यों गए थे वो तो कोई बात नहीं वो कोई बात नहीं हम करें तो बेकार आप करें तो सही है अरे कोई भारतीय राजनीति है आपके विचार अलग हो सकते हैं हमारे हिंदू धर्म में यही तो महत्व है हिंदू धर्म का महत्व जो है वो ये महत्व है कि हमारे आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन तब भी हम आपस में एक है हमारे विचार अलग है आपके विचार अलग है आपकी चीजें अलग है हमारी चीजें अलग यही भारतीय जनता पार्टी हमको मना करती पीडीपी से गठबंधन करने क्यों गई आज देश में जो लोग लगा के गए सार्वजनिक उपक्रम लगा के गए जो देश में चीजें लगा के गए वो माननीय मोदी जी क्यों बेच रहे हैं इस पे आपने ध्यान दिया मोहन भागवत जी आज पीछे से पीछे पीछे घूम रहे हैं उनकी कोई इज्जत दे रहा है कोई बताइए अभी अमित शाह जी मिलने गए थे अभी अमित शाह भागवत जी से मिलने गए थे क्यों नहीं मिले मोहन भागवत मोहन भागवत क्यों नहीं मिले आप जो बड़ी भारी तीस मार्का बने घूम रहे हैं आरएसएस के में आरएसएस का आरएसएस पूछता कौन है जब 11 साल में कभी आरएसएस को पूछा माननीय मोदी जी ने अमित शाह ने मुझे बता दीजिए कभी एक बार बता दीजिए आज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के चक्कर में संजय द्विवेदी जी एक बार आपसे पूछना चाह रहा हूँ संजय द्विवेदी जी आरएसएस आरएसएस जो है आज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने सोच रही है अरे संजय द्विवेदी जी ये तो आप आरएसएस की बात कर रहे हैं लेकिन हाल ही में खबर आई है द्विवेदी जी आपको आवाज आ रही है ना द्विवेदी जी हाल ही में खबर आई है कि एकनाथ शिंदे साहब ने अमित शाह से मिलना से इनकार कर दिया अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में द्विवेदी जी एकनाथ शिंदे साहब की शिंदे साहब ने जाने से मना कर दिया ये क्या हो रहा है देखिए मैं बता दूं सर ना भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है मैं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा इसको अन्यथा न लिया जाए अजगर है अजगर भारतीय जनता पार्टी अजगर है पहले अपने साथ में लोगों को लाती है
पहले गठबंधन जब दी है, मतलब 30 साल पहले हमारा गठबंधन जो हुआ था वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी गडकरी जी गोपीनाथ मुंडे के साथ हुआ था, गठबंधन इनके साथ नहीं था। जिस दिन से ये आए हैं 2014 से, इनको लगने लगा कि शिवसेना को महाराष्ट्र में खत्म करके अपनी सरकार बनाए, क्योंकि इनको देश पे कब्जा करना है, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी देश में लानी है। माननीय भारतीय जनता पार्टी जो अब इस समय नेता जो है, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को करनी है। इनके कुछ अपने अभिन्न मित्र हैं, देखिए अभी महाराष्ट्र में बिजली वाला काम हुआ, बिजली वाला और राजस्थान में उन्होंने अपनी रुचि चेंज कर दी, उनको बिजली का वो देने के लिए ऑर्डर दे 7000 मेगावाट कुछ था और 11000 वहां पे है, इन्होंने चेंज कर दिया, चेंज करके इतना पैसा रखा जो सिर्फ अडानी जी के अलावा किसी को ना मिले। और इस तरह की जो राजनीति चल रही है देश में, वो जब तक ये वहां पहुंचेंगे नहीं सरकार में, तब तक राजनीति कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इनको हर जगह चाहे इनको सरकार गिरा के महाराष्ट्र सरकार माननी पड़े। भाई क्या जल्दी थी द्विवेदी जी, क्या बाला साहब ठाकरे के विचारों से बहुत दूर चले गए आप? बाला साहब के साथ भी काम किए। नहीं 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 सुनिए, सावरकर से दूर हो गए आप, सनातन धर्म से दूर हो गए। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात प्रदीप जी, बोले बोले, वीर सावरकर को भारत तंत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए खेल, अगर भारत रत्न दे देंगे इस तरह बातें बंद हो जाएंगी, तो भारत रत्न दे रहे हैं उनको, बस उनको राम जी की तरह, बस राम भगवान श्री राम की तरह एक इशू बनाए हुए हैं। जब देखो बात हो जाती तो आप भारत रत्न दे दीजिए। माननीय बाला साहब ठाकरे इतने बड़े भक्त हैं, हर डिबेट में उनका नाम लिया जाता है, उनके लिए कहता था बहुत अच्छे नेता थे, बड़ा उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया, और तो अगर वो सामाजिक नेता थे तो उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों दिया? क्यों? उसका कारण है, कारण समझिए आप। ये जो देश में जो बेचा बाची चल रही है, मैं तो खाऊंगा नहीं लेकिन मैं अडानी खिला दूंगा, पूरा देश में अडानी खिला दूंगा। जो ये खेल चल रहा है बॉस, ये महंगाई जो चल रही है, महंगाई बेरोजगारी पीछे लगा दिया जनता को, जनता दिमाग में बेरोजगारी ढूंढ रही है और महंगाई ढूंढ रही है। इधर धीरे धीरे देश जो है, मैंने बताया 62,000 करोड़ रुपए जिस बैंकों ने कर्ज दिया, और इन्होंने इन्वेंट्री बनाई थी इन्होंने 2016 में, उन्हें 16,000 करोड़ में वो फैक्ट्री इनको दे दी अडानी को, क्यों दे दी भाई? और वहीं पे गुड़गांव में फार्म हाउस 120 करोड़ का, वो अभी तक नहीं बिक पाया लेकिन ये फैक्ट्रियां बिक गई। द्विवेदी जी आप डरे हुए, लेख लाड़की स्कीम, लेख लाड़की स्कीम से आप डरे हुए, जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी और जो महायुति लेके आए उसे आप डर गए हो, महिला सशक्तिकरण का एक उत्तम उदाहरण है मोदी जी हाल ही में आए थे। दूसरा इंटर्नशिप स्कीम, जो इंटर्नशिप स्कीम है मोदी जी के गेम चेंजर है, 5 करोड़। प्रदीप जी हाँ, हरियाणा से प्रधानमंत्री जी डर के वहां गए नहीं, हरियाणा में स्थिति देख रहे क्या है आज हमारे आरएसएस वाले बोल रहे थे, आज अगर कांग्रेस इतनी खराब है, इतनी ज्यादा उन्होंने लूटपाट की है, इतना ज्यादा खराबी की है, तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरिया पैसा क्यों नहीं लिया? जबरिया पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में वित्त मंत्री, शायद देश का इतिहास है ये 75 साल का, किसी वित्त मंत्री के ऊपर कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जबरन वसूला केस दर्ज किया हुआ, भले उच्च न्यायालय कुछ भी हो बोलक बात, लेकिन एक वित्त मंत्री को बंदेश होना इस सरकार में सबसे बड़ी, समझिए सबसे बड़ी वो है, सबसे आप अरविंद केजरीवाल को भेज रहे हैं, आप सबको आप भेज, झारखंड मुख्यमंत्री को आप भेज रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री के ऊपर FIR होना ये बहुत बड़े अपने बहुत बड़ी बात है। वो भी जबरन वसूली, मुकेश गांधी जी लेख लड़की स्कीम, लाड़की बहन स्कीम, जो युवाओं को नौकरी वाला स्कीम, जो आज एड सब जगह चल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी का, जो 10,000 रुपया पर महीने, इतने लाख 10 लाख जो ग्रेजुएट को पैसे जो खुलेआम चल रहे हैं और सबको पैसे भी मिलने लगे, तो क्या MBA स्कीम से डरे हुए हैं मुकेश गांधी साहब? देखिए ऐसा है कि शिंदे जी, अजीत पवार और फडणवीस ने ये जो सारी स्कीम निकाली है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन किया है और वो इम्प्लीमेंटेशन बरोबर सही ढंग से हो रहा है, इसके कारण ये कांग्रेस वालों के पेट में सब दुख रहा है। अभी क्या हो गया है कि शरद पवार साहब ने और ये उद्धव ठाकरे जी ने वो पटोले घटोले ने कुछ किया नहीं, और इन्होंने किया तो अभी एकदम ये राज्य का
फंड खाली हो गया, कर्जा बढ़ गया, और जब कांग्रेस हरियाणा में और कश्मीर में जाके कहती है कि हम महिलाओं को 2000 रुपया देंगे, हम उनको गैस इतना फ्री में देंगे, फलाना देंगे, ढिकना देंगे, कर्नाटक में बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए, तो वो पैसा कहां से लाने वाले थे और कहां के लाया? और कर्नाटक में तो वो करके फेल हो गए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आज भी बताता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में अजीत पवार जी ने जो योजना बनाई है, ये सारी जो लोगों को मदद रूप होने की, वो पूरा फंड का असेसमेंट किया हुआ है और पूरी आयोजना के साथ किया है कि अगले 5 साल जो गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट को इसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं हमारे कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में, राम मंदिर के बारे में आपने बहुत बहुत गलत बातें की है। पहली गलत बात तो ये की है कि राम मंदिर जो बना वो किसके कारण बना? आज तक कांग्रेस को मंजूर नहीं था कि राम मंदिर बने, वोट के कारण हुआ, वोट के कारण, सुप्रीम कोर्ट के कारण। गोपाल जी बोलने दो, आपके पास आ रहा हूं, गोपाल जी आपके पास आ रहे हैं, गोपाल जी आपके पास आ रहे हैं, बोलना तभी। चलो भैया, आप आपका मानते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सारे सबूत आ गए, सारी बात आ गई, तो भी कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी क्या? मैनेज किया आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी क्या? गोपाल जी आप बाद में बोलो ना, गोपाल जी पार्टी थी क्या? गोपाल जी आपके पास आते हैं इसके बाद, आपकी पार्टी थी क्या? गोपाल जी वो ट्रस्ट का मामला था, गोपाल जी बोलने दो पहले, आपके पास आते हैं, ट्रस्ट का मामला था, बिल्कुल आप गुमराह मत कीजिए, गलत बातें बोल के आप गुमराह मत कीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, अजीत पवार की एनसीपी पार्टी थी क्या उसमें? बीजेपी की पार्टी थी क्या उसमें? पार्टी थी क्या? बीच में मत बोल, आप 15 मिनट तक एक सर का बोले, प्लेंटी प्लेंटी आया नहीं बीच में, और अरे आप लेकिन आप गलत बातें मत बोलिए, आप गलत बातें मत बोलिए, क्या गलत बातें मत बोलिए। गोपाल जी सुनिए सुनिए ना, उसके बाद आप उसको निगेट करो ना, बात में गलत बोलते हैं क्या? मैं प्रदीप जी ये बात नहीं होनी चाहिए, हमारे गोपाल जी नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं गोपाल जी रुकिए, बोलिए बोलिए मुकेश जी बोलिए, 15 से 20 मिनट दी एक सरी का, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के ऊपर एलिगेशन किए सारे, उनको कोई राइट नहीं है राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर के बारे में गलत फहमियां फैलाने का काम ये कांग्रेस का पहले से है, जो राम के अस्तित्व को मंजूर नहीं करता है। और दूसरी बात के नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, प्राण प्रतिष्ठा वहां के आचार्यों ने और संतों ने की है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य में खाली नरेंद्र मोदी जी सम्मिलित हुए थे और वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पूजा, मेरी बात सुनो पहले, वो खुद थे, मैं माइक छोड़ देता हूँ, झूठ करते हैं। प्रदीप जी यू प्लीज कीप हिम साउंड नाउ, आई डोंट गोपाल जी, गोपाल जी रुकिए ना, बोलने ही नहीं देते हो, पूरा मेरी बात को कंक्लूड नहीं होने देते हो आप, सर आप बोलिए ना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा आयोजन पहले से हो गया था और उसमें कोई बीच में, उसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी के हाथों से नहीं हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने जैसा इनोग्रेशन सेरेमनी होता है वो काम किया है। और दूसरी बात कि राम, आपने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आक्षेप कांग्रेस वाले लगा देते हैं कि उनकी पत्नी को छोड़ दिया, अरे भगवान बुद्ध ने भी अपनी यशोदा को छोड़ करके बुद्ध धर्म बुद्धम शरणम गच्छामि करके धर्म का प्रचार किया था। वैसे नरेंद्र मोदी जी एक आरएसएस के ऑनेस्ट वर्कर है, और वर्कर में नहीं, मेरी बात सुनिए, वर्कर जो होता है उन्होंने कभी अपनी पत्नी के साथ रहे नहीं है, बचपन में पहले शादी हो जाती थी, वो शादी के कारण नरेंद्र मोदी जी की शादी हुई थी, उन्होंने कभी अपना संसार लगाया नहीं है, वो कितनी सालों से वो व्रतधारी बनकर के हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। तो आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है, पहले आपके राहुल गांधी को सिखाओ कि फॉरेन में जाकर के जो तो अच्छा है ना, बिल्कुल शादी ना करना उससे अच्छा है ना, अभी देखो किसी को फंसाना अच्छा नहीं है ना, किसी को फंसा के उसको बेड़ी में अटकाना अच्छा नहीं, किसी को फंसाना अच्छा नहीं है ना, साथ फेरे के साथ में उसको पत्नी के, नहीं 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 अच्छा किया राहुल गांधी ने, अरे राहुल जी ने कम से कम किसको फंसाया तो नहीं ना, इसको फंसाया तो नहीं शादी के बंधन में, अगर शादी के बंधन में फंसाते हैं तो निभाना पड़ता है शादी का रिश्ता, हिंदू धर्म के हिसाब से शादी का रिश्ता निभाना पड़ता है, शादी का रिश्ता निभाना पड़ता है,
राइट गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, हाँ सर, गोपाल तिवारी जी आपके कारण मुकेश गांधी जी शायद छोड़ के चले गए, तो मुकेश गांधी जी ने अभी अभी ये कहा कि मतलब नरेंद्र मोदी जी की तुलना उन्होंने भगवान बुद्ध से कर दी, जरा बताएंगे सर आप उस विषय के बारे में कुछ बोलेंगे गोपाल तिवारी जी? सर सर अभी ये क्या हंसी आती है ऐसे बेतुके बयान पे, वो तो कोई तो उनके राम मंदिर के जो मुखिया है उन्होंने तो कहा भगवान विष्णु का अवतार है, वो मोदी जी खुद को कहते मैं नॉन बायोलॉजिकल पर्सन हूँ, अभी क्या कहे उनसे उनके बारे में, ना कहे तो ठीक है, और अभी जो जैसे मेरे को ये मिस्टर गोपाल तिवारी वो एनसीपी के नेता है, गोपाल तिवारी जी आई कांट सी उनसे, सुनो सुनो सुनो, नहीं आई कांट सी यू, आपका आपका फ्रेम जो है हां अभी ठीक हो गया, एक सेकंड, हां बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं अजीत पवार जी के जो मुकेश गांधी है वो अजीत पवार जी के स्पोक पर्सन है, अगर मैं वो बीजेपी के स्पोक पर्सन रहते तो मैं मान लेता वो कुछ भी बात पे, इतनी इसके हिंदू धर्म की तो मैं कहता हूं अगर उनकी इच्छा है तो हिंदू राष्ट्र के बारे में अजीत पवार जी को पूछ के बयान दे दे आपके टीवी पे, और वो अजीत पवार कल परसों वापस बार बार बोल रहे हैं कि हम सेक्युलर पार्टी है, धर्म निरपेक्ष पार्टी है, और ये उनका प्रवक्ता तो अलग ही बातें कर रहा है, ये मेरे को अजीब है सर, मतलब लेकिन अजीत दादा पवार ने तो ये कहा कि 10% वो मुसलमानों को वो टिकट देने वाले हैं, ऐसा बोला उन्होंने, हाँ बिल्कुल 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 सही है आपने कहा, लेकिन उसके बारे में तो वो मुकेश गांधी कुछ बोलते नहीं, सावरकर क्या, सावरकर जी को आरोप लगाना हमेशा आलोचना करना ये कांग्रेस का एक पॉलिसी बन गया है, गोपाल जी जब भी राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र में तो बोल नहीं सकते तो कर्नाटक कैसे बुलवा दो, बिकॉज उद्धव ठाकरे जी ने साफ मना कर दिया है कि कोई भी हम सावरकर जी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, शरद पवार साहब ने राहुल जी और सोनिया जी से कहा कि सावरकर को प्लीज अवॉइड कीजिए, फिर भी जब भी राहुल जी महाराष्ट्र में आएंगे कहीं ना कहीं से सावरकर इशू ऊपर आता है, और किस प्रकार से आलोचना करना, क्या ठीक लग रहा है गोपाल जी आपको? सर देखो अभी कल परसों कोल्हापुर में राहुल जी आए थे 2 दिन, और उसके पहले 5 सितंबर को पतंगराव कदम जी का स्टैचू इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो अभी ये 2-3 एंट्री में उन्होंने कभी कुछ बयान नहीं दिया मेरे सर, राहुल जी ने नहीं दिया, अगर आपके राहुल जी ने नहीं दिया सर, वो कर्नाटक के कोई मंत्री नहीं दिया राहुल जी के बारे में पिछले हफ्ते के एपिसोड में ये इसके ऊपर सब बात हो चुकी है अपनी, क्योंकि अगर गायकर जी कहते कि वो महाराष्ट्र, लेकिन उनके सावरकर जी के वो डेफिनेशन गो माता के लिए क्या था, वो गो माता नहीं मानते थे, उपयुक्त प्राणी कहते थे गाय को, तो ये वास्तवता है, जो वास्तवता रखना कोई गलत बात नहीं है, तो सावरकर जी के बारे में बात से कोई बयान नहीं दिया है? अगर ऐसा है तो वो भारत रत्न को दे सकते, और इसके पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, सावरकर जी के देशभक्ति के प्रति हमारी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन राजनीतिक रोल उन्होंने जो निभाया 42 के आजादी के आंदोलन के बाद, वो जो वहां आंदोलन छोड़ के गायब हो गए थे कोकण में, वो समाज कार्य करते हैं और बहुत ही अच्छा वो सराहना करने जैसा काम है, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता निवारण किया कोकण में, और 42 के बाद वो कोई आजादी के आंदोलन में नहीं थे, अगर उनके राजनीतिक भूमिका के ऊपर हमारी आपत्ति है, लेकिन उनके राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है, प्रेम है, उसके प्रति सोनिया इंदिरा जी ने उनके जो स्मारक बना उसमें 15,000 दिए, उनके ऊपर हमने कांग्रेस ने उनके ऊपर पोस्ट का स्टैम्प निकाला, हमारी आज भी जो है तो उनकी राजनीतिक भूमिका जो ये बता दें, इसके पहले जो हम पहले करते थे उन्होंने बोल दिया, और ये बता दीजिए, अभी जो दो सवाल है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक मिनट, अरे गोपाल तिवारी जी एक मिनट, आप जब शुरू हो जाते हैं दूसरे को भी तो सुने, एक सेकंड सर मुझे तो सुन लीजिए, अभी तक वीर सावरकर, क्रांति वीर विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, अब आप बताएं गोपाल तिवारी जी। सर ये तो है, जो आजादी के समय से हमारा भारत आजाद हुआ था, सामाजिक कार्य प्रति नहीं, लेकिन आजादी की इसमें जो भूमिका हुई
उसके प्रति बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुई तो जो नहीं हुई तो ये संसद में मुद्दा भी उठाना चाहिए, कोई ऑपोजिशन ने इसके ऊपर बात बहस होनी चाहिए और सर्वसम्मति से जो देने लायक है वो देना भी चाहिए। और इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर मैं क्या बात करूं, तो मैं शंकर गायकर से बहस हो सकती। गोपाल जी अभी गायकर जी बोलेंगे, आप शांत रहिए, आप जब आप बोल रहे थे गायकर जी कुछ बोले नहीं। Now please listen to what Gaikar ji says. Gaikar ji, Shankar Gaikar साहब, बिल्कुल बहुत बहुत important सवाल है सर। Shankar Gaikar साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए ना। Shankar Gaikar जी, बार बार ये बात कही जाती है, बार बार ये बात कही जाती है कि कांग्रेस के वक्त पर एक एफिडेविट दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि हमें मालूम नहीं कि श्रीराम वास्तविकता में थे या नहीं थे। यह एफिडेविट दर्ज किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस एफिडेविट को दो दिन के बाद फौरन वापस ले लिया गया, लेकिन वैसा ही एफिडेविट अभी दोबारा दर्ज किया गया है इसी सरकार द्वारा, डेढ़ साल पहले बीजेपी द्वारा, राम सेतु के संदर्भ में, जहां पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाए। तो फिर दोनों में क्या फर्क रह गया सर? Shankar Gaikar साहब, अब आप बताएं प्लीज। नहीं नहीं ऐसा है जी, बोलिए। हमको विचारों की आजादी है, बोलने की आजादी है। उन्होंने, सुब्रमण्यम स्वामी ने एफिडेविट पेश किया है, कांग्रेस ने भी किया था, फिर वापस लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि इसको नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए। आज की मोदी सरकार ने यह एफिडेविट पेश किया है कि राम थे या नहीं थे हमें मालूम नहीं है। अब आप बोलिए सर। नहीं, इसलिए मैंने क्या कहा जी कि ये इसरो का रिपोर्ट जो है, ये आपको और हमको हिंदू समाज को मानना चाहिए। इसरो ने पूरी तरह से उसको क्लियर कट किया है। अगर किसी को और भी कुछ बातें चाहिए तो आज भी उस राम सेतु पर जाकर उसका पूरा इतिहास, ये मैं नहीं बोलता हूँ, नासा की भी रिपोर्ट है, सिर्फ इसरो ही नहीं। सो योजन जो हनुमान जी ने कहा है ना जी, आप तो हनुमान जी के भक्त है, सो योजन जो उन्होंने कहा है, ये सारे प्रूफ है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसके ऊपर सबको कहने का अधिकार है, आपको भी कहने का अधिकार है, मुझे भी क्लेरिफिकेशन देने का अधिकार है। इसलिए मैंने पहले वक्तव्य मैंने कहा कि ये मंच ऐसा है, किसी को बुरा लगने की कोई बात नहीं है, इसमें वाद विवाद से अपने विचार को प्रकट होता है। लेकिन जैसा अभी हमारे कांग्रेस के बंधु ने कहा कि मोदी की उन्होंने पत्नी को निकाला, ये कितना गलत है। देखो ये नवरात्र चालू है, मातृत्व ये तुम्हारी और मेरी वो माँ है, ये ध्यान में रखिए, भले कांग्रेस की नहीं होगी लेकिन एक मातृत्व का अपमान मैं बोल रहा हूं, वो मोदी की पत्नी नहीं बोल रहा हूं। यही बात अगर लेडी माउंटबेटन के बारे में, नेहरू के बारे में, सारा खानदान का इतिहास अगर मैं निकालूंगा तो आपका डिबेट अधूरा रह जाएगा, समझे ना। जिन्होंने जीवन भर रंग रंगलियां मनाई, देश का विभाजन होते हुए, ये सारी बातें एक उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए राम सेतु का जो विषय है वो अगर एफिडेविट उन्होंने वहां पर दिया होगा तो सुब्रमण्यम स्वामी का जो कोर्ट निर्णय देगा, मेरा कहना है कि कोर्ट के निर्णय की अवमानना नहीं करनी चाहिए। अगर उसके बारे में वो, अगर सुब्रमण्यम स्वामी का स्वयं का क्या विचार है वो उनको मालूम है, उनको पूछना चाहिए। लेकिन जब जब समय आया, कोर्ट ने राम सेतु का भी, कोर्ट में जो हमने पेपर पेश किए है, जो 10,000 पन्ना जो हमने वहां पर ट्रांसलेटेड करके विश्व हिंदू परिषद ने जो पेश किया कोर्ट में, कोर्ट ने जिसके आधार पर, संतों महंतों के आधार पर उसको स्वीकार किया है। इसलिए जो निर्णय आया है, बार बार हम उसके ऊपर अगर कूदेंगे तो मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा, मैं वो नहीं चाहता हूं। एक बार दूसरी बात, पिछले डिबेट में मैंने कहा, छोटा सा क्लैरिफिकेशन है हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, सरकार ने सबसे पहले यह कहा था 2018 में, मोदी सरकार ने, कि इसके ऊपर बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका को प्रेस नहीं किया, क्योंकि कोर्ट तो उस वक्त निर्णय देने वाला था भाई, हाँ इसको राष्ट्रीय धरोहर आप लोग डिक्लेयर करिए। तो
सरकार ने कहा कि भाई हम इस पर निर्णय लेने वाले हैं। सर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है, क्या मजबूरी हो सकती है सर? 2024 हो गया, आज तक निर्णय नहीं लिया गया, सरकार की क्या क्या मजबूरी हो सकती है बताएं शंकर कायकर साहब? सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है वो सरकार को मालूम है जी। मैंने ये कहा कि वो राम सेतु के आधार पर जी, समझे ना? तो राम जी तो कूद कर नहीं गए। रामायण अगर ये हमारा इतिहास है, रामायण ये हमारी आस्था है, तो उस आस्था का एक एक कड़ी, वो जो सेतु है वो आस्था का, वो भी एक सेतु है, ये ध्यान में रखिए। आज भी वो सेतु अगर निकालते हैं तो रामायण अधूरा है। मैं इसीलिए कहा कि हिंदू समाज की राम सेतु ये आस्था है। क्या कोर्ट क्या निर्णय देगा, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है, मुझे उसमें नहीं जाना। एक बात, दूसरी बात मैं अभी फिर एक बार कहता हूं, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि इस नाते से मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूं, एक हिंदू तो इस नाते से, जब जब हिंदू तो लूटा जाता है, जब जब हिंदू तो पीटा जाता है, तो हम सारे उसके लिए जिम्मेदार है। जब हिंदुत्व का व्यक्ति जब अपने विजय रथ में ये हरे झंडे फैलाता है तो उसका हिंदुत्व जो है ना वो हिंदुत्व नहीं रहता, ये ध्यान में रखिए। जिस बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया, आज जिन्होंने ये हारे नाक को, सर्प को जिन्होंने अंतिम समय तक अपने नजदीक नहीं आने दिया, आज उसको हम कंधे पे लेकर जा रहे, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अरे हिंदुत्व अभी तक इतना कमजोर नहीं हुआ। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, कांग्रेस के भी बंधु यहां पर है, जे सावरकर जी के बारे में आप बोलते हैं जी, वो सावरकर जी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस अभी कांग्रेस के बंधु ने पूरा कांग्रेस का इतिहास बताया कि नेहरू के वो सावरकर जी के बारे में उनके मन में कितनी श्रद्धा है। अभी सुशील कुमार शिंदे जी ने एक किताब लिखी है सावरकर जी के बारे में जी, कितनी बातें लिखे उन्होंने, ऐसा एक मैसेज दिया कि कांग्रेस ने सावरकर जी ने जो सेवा कार्य किया, जाति भेद जो कि अभी जो बोल रहे थे ना सावरकर 42 में उन्होंने क्या किया, तो वही बात हमारे सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि इससे कांग्रेस ने सीखना चाहिए, उनकी देशभक्ति से भी जाति भेद के अंदर उन्होंने जो खत्म करने का प्रयास किया, सामाजिक एकता का जो प्रयास किया, ये सुशील कुमार शिंदे ने खुद अपनी किताब में लिखा है, वो पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए बार बार ये क्या है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, ये जो डिबेट अपनी हो रही है पूरे देश, ये नैरेटिव ऐसा निर्माण करने का कोशिश है, हिंदू को पीटेगा, हिंदू धर्म को पीटेगा तो इनको वोट की राजनीति, फिर इनकी बोलते हैं ना वो रोज की रोटियां सेकने लगते हैं, जब तक हिंदू पीटेगा नहीं, इसलिए बार बार हिंदुत्व के ऊपर प्रहार करते हैं, हिंदू के मंदिर पर प्रहार करते हैं, हिंदू के संस्कृति पर प्रहार करते हैं, हिंदू को डेंगू बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, तब इनके मुंह में दही जम जाता है क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तिरुपति में प्रसाद के अंदर जो गंदगी मिलाई गई, गोमांस मिलाया गया, सुअर का मांस मिलाया गया, कौन से कांग्रेसी का मुंह खोल दिया बताइए जरा? क्यों? हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान हुआ, इतने लोगों को दर्द लगा, ये दर्द लगने की बात है। इसलिए मैंने कहा आपको, इसलिए बोला ना, ये आपके मुंह में दही जम गया, उद्धव के मुंह में क्यों नहीं बोला? अपनी बाप की अगर वो औलाद है, सच्ची हिंदुत्व की औलाद है, उन्होंने जबान खोलनी चाहिए जिससे देश खड़ा रहता है। टीका लगा के भाषण मत दे दो, बाला साहब जी के साथ में मैं रहा हूँ, समझे ना, बाला साहब जी के साथ में मैं रहा हूँ, तब आप कहाँ थे? समझे ना, कुछ भी बातें मत बताओ। ये अभी तक ये जबान जो है ना, सच्चाई को स्वीकार करो, हिंदुत्व इतना छोटा नहीं है। हाँ, लड्डू में कुछ नहीं मिला। अच्छा, लड्डू में कुछ नहीं मिला, पता तुझे कुछ भी? नहीं, गलत, ये सारा गलत नैरेटिव आप लोगों ने फैलाया है, समझे ना, जरा रिसर्च देखिए, वो रिसर्च देखिए। नहीं, आप फालतू बकवास करते हो।
हाँ समझे ना, कुछ मालूम नहीं कुछ नहीं। कांग्रेस के प्रतिनिधि क्या है आपको मालूम? बाला साहब के साथ में कभी बैठे हो क्या? हाँ बाला साहब से तुम्हारा कितना संबंध आया है? मेरा संबंध आया है तुमको मालूम नहीं होगा? प्रदीप जी से पूछो जरा, हाँ बात करने आते हो, जरा इतिहास जान के ले लो। शिवसेना का इतिहास मालूम है? कहाँ के पता था इतना पदाधिकारी हुआ? शिवसेना का इतिहास बताए हमको, बड़ा ऐसे भी आते हो पद लेकर और बातें करते हो, गलत बातें मत करो। बकवास कर रहे की फालतू की जी अभी जो है ना, मिर्ची लगी ना। हाँ जब जब हरा ध्वज उठाया है, जब जब पार्टी ने हरा ध्वज उठाया वो मिट्टी में मिल गया है, ये ध्यान में रखिए। हिंदुत्व की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदुत्व के ऊपर प्रहार मत करिए कभी। धन्यवाद संजय द्विवेदी जी, आपका बेचने वाली चीज नहीं है भाई। तीनों को एक बार फिर नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी। गोपाल जी, शंकर जी, जय बजरंगबली, द्विवेदी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज। फाइनली इट गॉट टू बी वेरी वेरी हीटेड, आई डोंट नो व्हाई, व्हाई डू पीपल गेट सो annoyed and heated. Mr. Mukesh Gandhi actually left. I saw him leave for the first time. Yes. I think Gopal Tiwari ji finally was managed to irritate the hell out of him. And Mukesh Gandhi ji actually left. I wish he had stayed. I mean, because as Shankar Gaikar ji said, isme personally isme gussa hone ki kya baat? Ke aur jaisa baad mein wo thoda sa chada bhi rahe the Sanjay Dwivedi ji ko mirchi lagi na bol rahe the. Aisi kya baat hai? लेकिन घर जो भी है, इट इज अ गुड डिबेट। आई थॉट इट वाज नाइस, इट वाज नाइस। व्हाट डिड यू थिंक? आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, इस विषय के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? जरूर अपने कमेंट जरूर भेजें, वी वुड लव टू रीड आउट योर कमेंट्स। हाल ही में हमारे जो पुराने मित्र थे सर, कोई भरत कवर इतना जी, उन्होंने भी लिखा है कि बड़े दिनों के बाद आपको देखा शो पे, ओके तो बहुत अच्छा लगा वगैरह वगैरह वगैरह। वो भी कोई अपना चैनल चला रहे हैं शायद, उन्होंने भी लिखा है, दो तीन और लोगों ने भी लिखा है। कल पढ़ने की कोशिश करेंगे सर, और कल तो रिजल्ट भी आ जाएगा। यस हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का। बट इन द मीन टाइम व्हाट यू सेड अबाउट वीर सावरकर इन द कांग्रेस, दिस सीम्स टू बी अ पैटर्न। पैटर्न तो है साहब, जब भी राहुल गांधी साहब यहाँ पर आते हैं वीर सावरकर जी के बारे में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कांग्रेसी महाराष्ट्र से नहीं महाराष्ट्र के बाहर बोलता है, हमेशा बोलता है। मिनिस्टर इज नॉट अ स्मॉल एरिया, दैट्स राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज एन ऑर्केस्ट्रेटेड थिंग, कि उसको बोल दिया गया होगा कि भाई बोल दीजिए या कुछ भी है, विच इज सैड, वेरी फ्रेंकली दैट इज सैड। आई डोंट नो व्हाट दीज गाइज़ आर अप टू, बट व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज, प्रदीप जी मुझे जिस बात की फिक्र है वो ये है कि कई संत महात्मा मठाधीश मंडलाधीश जो आज की तारीख में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम के पैगंबर के बारे में जो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आई थिंक इट शुड बी स्टॉप्ड, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। सब लोग यहाँ पर आराम से शांति से एक दूसरे का सम्मान करते हुए रह रहे हैं, उसी सम्मान और शांति से अगर दोनों तरफ से लोग रहें तो देश ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि जो बोलने वाले हैं प्रदीप जी उनको कुछ नहीं होगा। आज अमरावती में आई थिंक द स्टोन पेल्टिंग इन द सेम केस दैट केशव रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पीट, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब जो लोग जो हैं, जो बोलने वाले हैं, जो उकसाने वाले हैं, भड़काने वाले हैं, उनके पास तो सिक्योरिटी है, अगर जेल में भी चलेगा तो वहां पर भी उनको कुछ नहीं होगा। मरेगा कौन बेचारा जो बाहर है, जो गरीब आदमी है, भले हिंदू हो मुसलमान हो, वो लोग मरेंगे। तो मेरा ये कहना है कि भड़काऊ भाषण अगर आप ना दें तो अच्छा है, और अगर कोई भी भड़काऊ भाषण देता है तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर हेट स्पीच, एंड हूसोएवर इंडल्जेस इन हेट स्पीच दैट पर्सन्स पोजिशन इज इन जेल। That's my opinion. Maharashtra is witnessing, actually tempers are rising from all fronts, and it's taking dangerous proportions. So the election that is coming will be a very heated election. That's right. Because just prakar se dono taraf se andolan ho rahe, bolti bandi ho rahe, samarthan bhi ho rahe, so all these kind of things are very dangerous to a society. That's right. Absolutely. And, I agree. The communal harmony. Ek taraf RSS is talking about. Need for communal harmony, need for everybody to blend with each other. Unka message kuch aur ja raha hai. State BJP is doing something else. Some religious leaders are doing something else. Aur unke khilaf jo Ramji Maharaj jo hain, Ramgiri Maharaj jo hain,
उनके खिलाफ 51 FIR है सर, 51 FIR है उनके खिलाफ। तो मेरा ये कहना है कि कुछ जितने शांतिप्रिय लोग हैं उनको ज़रा मिल करके ज़रा टेम्परेचर को ज़रा नीचे लाना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं है महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए, ये अच्छा नहीं है जो कुछ हो रहा है। और अगर आप समझते हैं कि इसकी वजह से आप चुनाव जीत जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आई थिंक बोथ साइड्स आर एंजॉयिंग इट, बोथ साइड्स वांट दीस थिंग्स टू हैपन, इट सीम्स टू बी लाइक बट दैट्स सैड, दैट इज रियली एंड ट्रूली टेरिबल, एब्सोल्युटली टेरिबल। And I think the people themselves should revolt against it. They should say, what are you guys doing? But people are getting swayed by it. Yes, they are, which is the sad part. As I said, finally, it is going to be the common folk, the innocent people, who will suffer. It won't be the ordinary people who will suffer. Nothing will happen to these guys. Political leaders ko kuch nahi hone wala. Baki jitne bhi log hain, unko kuch nahi hone wala. Jo jinhone bhadkaau bhashan diye, unko kuch nahi hone wala. क्या होगा जो साधारण लोग हैं, जो आम लोग हैं, they'll pay the price, कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। Well, one can only hope and pray that better sense prevails. That is just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही, कल आपको मिलेंगे after the result, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट के बाद आपको हम लोग यहीं मिलेंगे, प्रदीप जी और मैं। और तब तक के लिए आप देखते रहें नेशन नाउ, आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।